राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को निजी यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा, कांग्रेस 14 दिसंबर को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में विशाल प्रदर्शनी करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा से खास बातचीत की सहयोगी प्रशांत शर्मा ने। मेरे साथ मौजूद है राजस्थान के शिक्षा मंत्री। दिल्ली आप हैं, 14 तारीख को कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से 6 साल से देश में एक माहौल बना हुआ है और अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार, क्योंकि इसको भाजपा सरकार हम कह नहीं सकते, दो ही व्यक्तियों की सरकार चल रही है जिसने सारी संवैधानिक मर्यादाएं तोड़ दी हैं और जो भारत का लोकतंत्र जिसके लिए दुनिया में जाना जाता है भारत, उसको भी कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र में जिस तरह की घटना हुई, आप देखिए नीति आयोग को तोड़ ख़त्म करने की बात कर रहे हैं ये लोग बाग, रिजर्व बैंक का जिस प्रकार से दुरुपयोग इन्होंने किया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखिए जहाँ झारखंड में हम चुनाव होने हैं तो वहाँ पर 7 या 8 फेज में चुनाव करा रहे हैं, मतलब कि जिससे मोदी जी और अमित शाह सब जगह उनको कैप्चर कर लें पूरे सिस्टम को। तो ये पहली बार हो रहा है देश में। तो जो माहौल अब समझ में आ गया दुनिया के कि ये दो लोग बाग सारी संवैधानिक मर्यादाएं तोड़ते हुए संविधान एक संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं और जनता इनसे ऊब चुकी है। जो वायदे इन्होंने 2014 में करके ये सत्ता में आए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजाना का रोज़गार देंगे, किसान की माली हालत को ठीक करने का काम करेंगे, हमारी विदेश नीति को ठीक करेंगे, अच्छे तरीके से चलाएंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे, अब आप देखिए मोदी जी अमेरिका में जाते हैं और अगली सरकार ट्रंप सरकार का नारा देते हैं, अपने आप को महात्मा गांधी जी की तरह राष्ट्रपिता कहलवाते हैं वहाँ पर। मैं समझता हूँ ये सारी मर्यादाएं तोड़ चुके। तो जनता ने महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इन्होंने नग्गा नाच किया है, लोकतंत्र की हत्या करने की जो षड्यंत्र किया, प्रधानमंत्री देश का 8 बजे एक षड्यंत्र के तहत ट्वीट करता है कि मैं अजीत पवार और जो फर्नांडीज को बधाई देता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलाएंगे, 24 घंटे में ट्वीट भी डिलीट करना पड़ता है और इस्तीफा भी देना पड़ता है। तो इसलिए अब देश की दिशा और दशा बदलेगी, राजनीतिक करवट बदलेगी। लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने केवल बहरूपिया का काम किया है, केवल इन्होंने लोगों को झूठा गुमराह करने का काम किया। सही मायने में देश को एक और अखंड कांग्रेस पार्टी रख सकती है, 36 कौमों को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी ही देश का विकास कर सकती है, सभी वर्गों का भला कर सकती है। इसलिए 14 तारीख को जो भारत बचाओ का नारा हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया है, सारे लोगों में एक अति उत्साह है। लोग अपने स्वयं मन से चल करके, हम पहले जब कोई रैली होती तो कार्यकर्ताओं को कहते थे कि आपको चलना है, अब लोग कह रहे हैं साहब कब चल रहे हो, हमने तो बसें कर ली हमारी। तो आप समझ सकते हो कि 14 तारीख की जो भारत बचाओ की रैली है वो सफल होगी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो फुलावी जो सूर्य था वो अस्त होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी वापस दिल्ली में और पूरे देश में सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रशांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया, दिल्ली।